हेलो व्यूअर्स, मैं ललन सर पुनः उपस्थित हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल आर्यन अकेडमी में। आप ही के लिए एक नए विषय को लेके, विषय है आप लोगों के लिए सिलेबस की जानकारी दे देना। मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। अब चूंकि छठ खत्म हो चुका है, अभी जो भी स्टूडेंट हैं उन पर पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा। अगर आपके पास ये जानकारी होगा कि मैथ्स के किस टॉपिक में कितने नंबर का पूछा जाता है, तो आपको ये हो जाएगा कि हम इतने नंबर के लिए तैयार हैं। इसलिए हम आज सिलेबस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस मैथमेटिक्स सीबीएसई बीएसईबी क्लास 12th एनसीईआरटी गाइडलाइन के हिसाब से। क्योंकि अब एनसीईआरटी गाइडलाइन में जो है, हम आप लोग को पीछे से बताते जा रहे थे कि एनसीईआरटी गाइडलाइन के हिसाब से बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों एक ही है, दोनों का सिलेबस एक ही होता है। तो उस हिसाब से जो है आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर का। रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि रिलेशन फंक्शन आप एक आपको कमांड है, तो आपके मुट्ठी में जो है 10 मार्क्स है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 13 मार्क्स का पूछा जाता है। कैलकुलस अगर आपका कमांड है, तो 44 नंबर आपके पॉकेट में है। वेक्टर एंड 3D यानी कि वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आपको कमांड है, तो 17 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। लिनियर प्रोग्रामिंग से आपको 6 नंबर का पूछा जाता है, और प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप का तैयारी कैसा है, और अभी जो है 12th का एग्ज़ाम का टाइम है। आप अपने आप को अमेंड कर सकते हैं, जिसमें आप कमज़ोर पड़ रहे हैं उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। और हम जो है क्रैश कोर्स का जो है प्ले स्टोर में जो है हम डाल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह जो है मेरे जो है पूरे टीचिंग करियर का जो है पूरा एक्सपीरियंस क्वेश्चन सब हम जो है सेलेक्ट करके प्ले स्टोर में डाल रहे हैं। आप अगर उससे तैयारी करेंगे, तो आपको कम टाइम में पूरा तैयारी हो जाएगा, और आपको अच्छे मार्क्स यानी कि 90+ का गारंटी है। यह जांचा परखा और आजमाया हुआ है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, जिनका तैयारी अच्छा है उनको भी फायदा होगा, और जो किसी न किसी वजह से जो है जिनका तैयारी अच्छा नहीं है, उनको घबराने की बात नहीं है। और हम डेली क्रैश कोर्स का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और प्ले स्टोर में पहले से भी डाला हुआ है क्वेश्चन, आप उसमें जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को केयरफुली आप समझने का कोशिश करेंगे। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे, हम आपका कमेंट देखेंगे, और जिसको भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम उनका प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे। जो अभी अभी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो और उनका सहानुभूति आपके साथ साथ आपके ललन सर को भी मिले। और सर का अगर मोटिवेशन होगा, तो सर आपके लिए और एनर्जी के साथ काम करेगा। अब हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेना चाहते हैं कि हम पुनः आपके बीच आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। यह जो है सिलेबस हम बहुत दिनों से चाह रहे थे बताने के लिए। या आप लोगों को ये पता होगा कि किस टॉपिक में कितना नंबर का पूछा जाएगा। धन्यवाद।